अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो व्लॉग बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक नई वीडियो के साथ आया हूँ उन लोगों के लिए जो बर्ड्स के शौकीन हैं, और उनके लिए मैं आज थोड़ा सा एक लर्निंग प्रोसीजर है इसका हैंड फीड कराने का, उसके बारे में अगर आपको डिटेल से बताऊँगा कि आपको हैंड फीड कैसे करा सकते हैं और कितने बच्चे को कैसे कितनी करानी है फीड और कितने टाइम करवानी है और कौन सी फीड यूज़ करानी है। तो ये है हमारे पास एग्जैक्टली, ठीक है, केटी कंपनी की है एग्जैक्ट हैंड फिट फार्मूला है ये बाहर से आता है और 2700-2800 रुपए का ये पूरा पैकेट है 5 किलो का। और बस इसमें जो चीज़ आपको चेक करनी होती है वो ये होती है, पीछे एक्सपायरी डेट होती है वो लाजमी चेक करनी होती है आपको, जैसे ये इधर लिखी हुई है दिसंबर 2019, ठीक है। तो बाकी ये है कि मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि इसको बनाना कैसे है और उसको फिर फीड कराना होता था। बाकी जो चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको साथ साथ, वो एक आपको सिरिंज की ज़रूरत होगी, ये तकरीबन 20 ml की है, छोटा बच्चा है तो 20 ml के लिए बहुत है। और एक साथ ये नीडल आती है, ये आपको किसी भी बर्ड शॉप से आपको मिल जाएगी 100 रुपये की। और जो ये पानी है, ये पानी थोड़ा सा गर्म किया हुआ है, ठीक है, और ये बहुत है 2 बच्चों के लिए तकरीबन इतना पानी, ठीक है। और साथ में इसमें तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच मैं केटी हैंड फीड के डालूंगा इसमें। जी ये आ गई है चीज़ें, ये मैंने पानी डाल दिया है गर्म पानी इसके अंदर, ठीक है, ज़्यादा फुल तेज़ गर्म नहीं किया हुआ, नीम गर्म सा पानी है, ठीक है। और इसमें अब हम ये मैंने हैंड फीड इस बॉक्स में डाली हुई है अपने पास, और इस तरह से ही मैं चमचे डालूंगा इसमें। बच्चे हैं और तकरीबन ये खैर में 10 से 15 दिन का है और ये 15 से 20 दिन के दरमियान का है। ये 2 बच्चे हैं, ठीक है। और ये देखें ये खुद डिमांड कर रहा है मुझसे, ठीक है। इस तरह से आप अब ये देखें, ये पोटा होता है, इसमें थोड़ा सा मैंने सुबह का खिलाया हुआ है, इस टाइम 2 बज रहे हैं इस टाइम 2 बज रहे हैं और मैंने ये सुबह से खिलाया था, थोड़ा सा इसमें पेट खाली हो गया है, तो इसको मैं तो इस तरह से पकड़ना है इसको, ठीक है। इसकी जो राइट साइड पे जो है वो सांस की नाली है और लेफ्ट साइड पे जो है इसके खुराक की नाली, जब आपने यूँ सामने पकड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमने सिरिंज हमने भर ली थी, ठीक है, इस तरह से ये बर्ड्स को पकड़ना है, ठीक है। और आपने यूँ डालते हुए दूसरी तरफ ले जाना है क्रॉसिंग में, ठीक है, क्रॉसिंग में। आई होप आपको समझ आ रही होगी। ये आपने आराम आराम से इसे खिलाना और ये तकरीबन इसका ये देखें, ये जो पेट है आप देख सकते हैं, इसका जो पोटा है वो काफ़ी भर गया है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी ज़रूरत है 10-1 ml की और डालने की इसके पेट में। तकरीबन इतने बच्चों को आपने 3 टाइम फीड करवाना है, तकरीबन 3 टाइम लाजमी करवाना है। अब जैसे आप अपने सुबह करवा दिया है 9 बजे 8 बजे करवा दें, फिर आप दोपहर में करवा दें, ठीक है, और फिर एक आप रात में सोने से पहले 10-1 बजे तक करा दें, ठीक है। ठीक है जी, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको गाइड किया होगा इसने किस तरह से हैंड फीड पे बच्चों को खिलाना होता है। और सिरिंज लाजमी ले लें, साथ नीडल लाजमी ले लें ताकि आसानी हो आपको खिलाने में, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।